Hey guys, this is Mukul Sharma aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज हम स्टार्ट करते हैं Huawei के सब ब्रांड Honor के साथ एंड Honor 30S स्मार्टफोन जल्दी ही यूरोप में लॉन्च होने वाला है, जो कि अगर सूत्रों की हम माने तो Huawei P40 Lite 5G स्मार्टफोन का एक रीब्रांडेड वेरिएंट होने वाला है एंड जल्दी ही आपको स्मार्टफोन यूरोप में देखने को मिल जाएगा। इंडिया में इसके लॉन्च होने के चांसेस बहुत ही कम है। वीडियो में बड़ी पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, विच TWS इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। Realme Buds Q को 26% लोगों ने वोट किया है, Poco Pop Buds को 52% लोगों ने वोट किया है, Redmi Earbuds S को 8% लोगों ने और 12% लोगों ने अपनी चॉइस रखी है। तो यहां पे क्लियरली Poco Pop Buds, जो कि अभी लॉन्च तो छोड़ो, जिनकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स कुछ भी हमें नहीं पता, वो अभी ऑलरेडी यू नो पोल जीतना स्टार्ट कर चुके हैं। सो सच इज द हाई फॉर Poco प्रोडक्ट्स। आज के पोल का क्वेश्चन आपके लिए, डू यू थिंक द मी लैपटॉप माइट बी अ रीब्रांडेड Redmi Book, बिकॉज मनु कुमार जैन ने अभी कुछ टाइम पहले ट्वीट करके बताया कि यार ये जो इंडिया में मी लैपटॉप आने वाला है, दैट विल बी यू नो एन एक्सक्लूसिव इंडियन वेरिएंट और उसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। सो तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी एक फॉल्स क्लेम कर रही है यहाँ पे, ये रीब्रांडेड वेरिएंट ही होने वाला है या फिर ये एक ऑल टुगेदर नया लैपटॉप होगा? डू लेट अस नो इन द पोल अप अबव। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी बुक S2020, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, इंटेल प्रोसेसर है, इसमें 4G LTE सपोर्ट भी है, जो मैंने आपको कहा था कि लॉन्च होने वाली जल्दी ही, फाइनली ये लॉन्च हो चुकी है। इसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की ही तरफ। सैमसंग गैलेक्सी M11 और M01 स्मार्टफोन्स तो इसी हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं, बट सैमसंग का एक और स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A21S भी इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। 91 मोबाइल्स ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के थ्रू हमें बताया है कि ये जो स्मार्टफोन है, कंफर्म लॉन्च डेट तो नहीं पता बट लॉन्च मंथ कंफर्म हो चुका है, दैट इज जून। इस महीने में आपको सैमसंग गैलेक्सी A21 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अगर फीचर्स की हम बात करें तो इसमें आपको एक अननेम्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5000mAh की बैटरी है इसमें, 48 megapixels का प्राइमरी रियर कैमरा, उसके साथ तीन और कैमराज है और साथ में 16 megapixels का एक आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। द ओनली डाउनसाइड हियर इज द फैक्ट दैट इट हैज एन HD+ डिस्प्ले। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। ओप्पो रेनो 4 सीरीज और स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाली है जल्दी ही, चाइना में इसी हफ्ते लॉन्च होगी एंड आपको मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडिया के लिए भी मैंने आपको बता दी कि जल्दी ही ये सीरीज आने वाली है, बट राइट अहेड ऑफ द लॉन्च ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन जो था, गीकबेंच डेटाबेस वेबसाइट पे हमने स्पॉट किया एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर इसमें होगा, अप टू 12GB आपको रैम स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। सो ओप्पो रेनो 4 में अगर आपको 12GB रैम देखने को मिल रही है, सो ऑफकोर्स 256GB स्टोरेज भी होगी। तो अगर ओप्पो रेनो 4 के वनीला वेरिएंट में इतनी आपको मेमोरी वगैरह देखने को मिल रही है, सो ओप्पो रेनो 4 प्रो में भी आप 12256 वाला एक वेरिएंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ओप्पो रेनो 4 सीरीज में कंफर्मेशन आ चुकी है कि आपको एक सुपर नाइट वीडियो मोड भी देखने को मिलेगा। यस, बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपको यू नो अगर आपने इमेजेस लेनी हो नाइट में तो आपको एक नाइट मोड देखने को मिलता है फोटोज के लिए, बट यहां पे आपको वीडियो मोड भी देखने को मिलेगा और आपको एक सैंपल वीडियो जो कंपनी ने प्रमोशनल वीडियो पोस्ट की थी वीवो पे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिस इज हाउ द ओप्पो रेनो 4 सीरीज गोइंग टू चेंज द नाइट वीडियो यू नो एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। आगे बढ़ते हैं Huawei के सब ब्रांड Honor की तरफ। फिर से Honor Play 4 और Honor Play 4 Pro स्मार्टफोन्स 2 दिन में लॉन्च होने वाले हैं एंड राइट एट द लॉन्च Honor Play 4 Pro स्मार्टफोन Geekbench, Tena और MIIT सर्टिफिकेशंस पे सर्टिफाई हो चुके हैं। रेंडर्ड स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ एंड कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था OnePlus के अपकमिंग टीवी का एक रिमोट ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पे सर्टिफाई हो चुका था। अब लग रहा है कि चाइना में तो OnePlus जल्द ही एक टीवी लॉन्च करने वाला है, बिकॉज चाइना के जो ऑफिशियल्स है OnePlus के, उन्होंने Vivo पे एक अपकमिंग टीवी के लिए सर्वे करना स्टार्ट कर दिया है। वो लोगों से कह रहे हैं कि आप अपना फीडबैक वगैरह दीजिए कि उनको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है OnePlus के अपकमिंग टीवी से। तो दैट सडनली मीन्स कि OnePlus का अपकमिंग टीवी आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। अब OnePlus 8 सीरीज और स्मार्टफोन्स तो ऑफकोर्स अभी तक देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, बट OnePlus टीवीज की अगर हम बात करें तो जो लास्ट जनरेशन थी टीवीज की, वो अच्छी खासी महंगी जनरेशन थी और OnePlus टीवी जो OnePlus स्मार्टफोन्स है वो ऑक्सीजन OS के चलते, क्लीन स्टॉक UI के चलते अच्छी खासी हाइप बना लेते हैं, बट OnePlus टीवीज की बात की जाए तो उनको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, बिकॉज स्मार्ट टीवीज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज अच्छे अच्छे टीवीज लॉन्च कर रही है। देखने वाली बात होगी कि OnePlus का जो अपकमिंग टीवी है वो कैसा परफॉर्म करता है मार्केट्स में।
आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi का Mi Band 5 जिसके बारे में मैंने आपको सुबह की टेक्स्ट टॉक में भी बताया था कि जल्दी ही लॉन्च होने वाला है चाइना में, इसी महीने लॉन्च होने की के चांसेस बन रहे थे। आज कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी कि Xiaomi का Mi Band 5 जून 11 को या 11 जून को चाइना में लॉन्च होगा। इसमें आपको बहुत सारे एडिट फीचर्स देखने को मिलेंगे। SPO2 फीचर होगा यहाँ पे, आप अपना हार्ट रेट मॉनिटर तो ऑफकोर्स कर ही सकते हैं। आपको Amazon Alexa सपोर्ट देखने को मिलेगी ग्लोबली, NFC सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी ग्लोबली। ये सारे फीचर्स लेके Mi Band 5 चाइना में तो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और इंडिया में भी Mi Band 5 जल्दी ही आ जाएगा। और Mi Band 5 की अगर हम बात करें तो अगर आपने सुबह वाली टेक्स्ट अप नहीं देखी तो मैंने आपको वहां पे हिंट दिया था कि Xiaomi की Mi Watch भी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। सो इफ इन केस आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं ये चीज बता रहा हूं, जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। वहां पे Xiaomi, Poco और बहुत सारे स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ हिंट्स लीक्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं Redmi की तरफ। Redmi 9 स्मार्टफोन फाइनली सर्टिफिकेशंस वगैरह पे अब आना स्टार्ट हो चुका है। Redmi 9 GCF सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे और FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अब लिस्ट हो चुका है। GCF सर्टिफिकेशन वेबसाइट बता रही है कि Redmi 9 के दो अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, एक NFC वेरिएंट, एक नॉन NFC वेरिएंट। और FCC सर्टिफिकेशन बता रही है कि इस स्मार्टफोन में आपको ऑफकोर्स NFC देखने को मिलेगा, साथ ही साथ MIUI 11 अभी के लिए वहां पे लिस्ट किया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि ये स्मार्टफोन USA में भी लॉन्च हो सकता है और बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च हो सकता है। Redmi 9 अभी के लिए रेंडर्स वगैरह नहीं निकल गया है, बट जल्दी ही मैं आपको इसके बारे में कंफर्मेशन टेक्स्ट और ट्विटर पे दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। एंड यस, 91 मोबाइल्स ने कल एक एक्सक्लूसिव लीक निकाला था कि यार ये जो मी लैपटॉप है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है 11 जून को। आज मनु कुमार झा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया दैट यस इंडीड 11 जून को आपको Xiaomi का पहला फर्स्ट एवर लैपटॉप इंडिया में देखने को मिल जाएगा, जो कि मी ब्रांडिंग के साथ आने वाला है इंडिया में। और साथ ही साथ उन्होंने बोल दिया कि अभी जो रूमर्स वगैरह चल रहे हैं उन पे ज्यादा भरोसा मत करो, जो मी लैपटॉप इंडिया में आएगा वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मैं आपको ट्वीट पढ़ के यहां पे बता देता हूं। So, मनु कुमार जैन कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट, इंडिया एक्सक्लूसिव, मेड फॉर इंडिया। इन्होंने तीन चीजें बोली है, उसके बाद कहा है ब्लॉक द डेट ऑफकोर्स जून 11। नो इट्स नॉट एक्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग, रीट्वीट इफ यू कांट वेट टू सी इट। तो मैंने तो रीट्वीट कर दिया था, 319 के आसपास इनको रीट्वीट मिली है। एंड यस, अब मनु कुमार जैन कह रहे हैं कि यार ये जो चीज है जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, तो कुछ अलग है, आप देखते हैं क्या बनता है। जो पीछे उन्होंने रेंडर लगा रखा है जो लैपटॉप का, वहां पे वेबकैम तो बाय द वे मेरे को नहीं दिख रहा है। सो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको वेबकैम सपोर्ट देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेबकैम हमें चाहिए होता है, पर्सनली मेरे को तो कभी यूज नहीं करना पड़ा बिकॉज स्मार्टफोन से ही मैं जूम कॉल वगैरह कर लेता हूं। बट स्टिल देयर आर पीपल हु नीड अ वेबकैम ऑन देयर लैपटॉप, उनके लिए मे बी ये एक दुखद न्यूज हो सकती है। बाय द वे, Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मी लैपटॉप का टीजर पेज, अब प्रमोशनल पोस्टर पेज वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ लिस्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है। और वहां पे Intel i7 प्रोसेसर कंफर्म हो चुका है Xiaomi के अपकमिंग मी लैपटॉप के लिए। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Intel का प्रोसेसर नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा कुछ प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, Intel i7 प्रोसेसर ही होगा। जनरेशन का अभी मुझे पता नहीं है कि क्या है, और जहां तक इस पर्टिकुलर चीज के लीक्स की बात है, आई एम रियली सॉरी, कुछ कंस्ट्रेंट्स के तहत मैं आपको लीक्स वगैरह इसके नहीं दे पाऊंगा बिकॉज इस लैपटॉप को मैं यहां से हटाना चाहता हूं। सो वंस अगेन आपको मैं हिंट दे रहा हूं यहां पे, मी लैपटॉप वैसे भी आपको 11th जून को देखने को मिली जाएगा। तो 10 दिन के बाद हम देखते हैं कि Xiaomi इसको किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च करती है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द मी लैपटॉप बाय द वे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो खत्म करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आदित्य डोगरा कह रहे हैं मुकुल भाई आस्किंग इट अगेन, गोना आस्क अगेन टिल आई गेट द आंसर, व्हाई Xiaomi डजंट लॉन्च देयर 4K लेजर प्रोजेक्टर्स in India. Okay, for sure, your feedback or whatever your question is, your query is taken. I'll definitely put it forward to the Xiaomi team and मैं आपको जल्दी से इस चीज का जो भी उनका reply होता है यहाँ पे आपको बता दूंगा। केशव नंदा आगे कह रहे हैं timestamps are more important in your video that I noticed in your videos. Nice idea bro. Thanks a lot brother. And yes, we believe कि आपके लिए थोड़ा सा sorted हो जाता है, आपको जो भी particular content चाहिए आप वहाँ पे jump कर सकते हो straight away. So that's why we try to indicate as many timestamps as possible in our videos. Ankush Vasnik आगे कह रहे हैं मुकुल सर poll results के बाद please आपका view भी बताया करो, better रहेगा, great news, awesome stuff. Thanks a lot brother. And yes, it's a very good idea. Usually मैं क्यों नहीं बताता इसके बारे में, because जो भी आपके पोल का मेजोरिटी का रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं मेरे अपने थॉट प्रोसेस से भी रेजोनेट कर जाता है। कई बार थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो थॉट प्रोसेस तो मैं उसके बारे में ओपनली बोलता हूं, बट येस आई अग्री एंड आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट, आपका फीडबैक बिल्कुल टेकन है। आगे से आपको जो भी हम पोल्स वगैरह देंगे उसका मेरा जो व्यू होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ। ओजेर का कमेंटेटर ऑफ द डे के लिए हमने आज पिक किया, वो कह रहे हैं जब किसी फोन का सक्सेसर आने वाला होता है तो जनरली प्राइस ड्रॉप होती है, Xiaomi ने इस बार सस्ता नशा कर लिया है और एक नया प्लान बना रहे हैं कि इस बार हम सबसे अलग बनाएंगे, इसलिए सक्सेसर आने के टाइम पे प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। Xiaomi के लिए, मेरे लिए एक ये, और 16 लाइक्स और 2 कमेंट्स इनको मिले हैं। अगेन आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट दिस थिंग, पोको X2 का भी प्राइस बढ़ा या फिर इसका Redmi Note 8 सीरीज का भी अगर प्राइस बढ़ा है तो यार मैंने इस चीज के लिए ओपनली पहले भी बोला है,
मेरे को ये चीज कुछ समझ नहीं आई. एटलीस्ट अगर आप प्राइस हाइक कर रहे हो तो यू शुड ओपनली टेल कि क्यों आपने प्राइस हाइक किया है जनता को. एक्चुअली यू नो वी नीड दिस आंसर. एंड यस, जिन लोगों ने खरीदा है फोन उनके लिए एक अच्छी न्यूज है कि उन्होंने सस्ते में खरीद लिया. बट ऐसे तो यार जिन्होंने वो यू नो फोन खरीदा और बाद में सस्ता हो गया उनके लिए बुरी न्यूज भी होती है. सो ऐसा कुछ नहीं है. आई गेस कंपनी शुड हैव यू नो एटलीस्ट टोल्ड अस कि महंगा क्यों किया है. और साथ ही साथ वीडियो खत्म करने से पहले बात करते हैं टेक्स्टफ की लेटेस्ट एंट्री की, दैट इज स्टफ यू शुड नो. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव लव्ड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज बहुत सारी नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही हैं. सो ट्रस्ट मी, जिन भी लोगों ने ये जो स्टफ यू शुड नो में अलग अलग कमेंट में हमें बताया है, आपके कमेंट्स में रोज पिक करता रहूंगा. ऐसा नहीं कि आज एक पिक हुआ तो आज के जो बाकी के जो डिड यू नो वगैरह थे वो पिक नहीं होंगे. मैं आगे भी इनको फीचर करता रहूंगा बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं. सो कृष्णा गुप्ता का जो कमेंट था वो आज हमने स्टफ यू शुड नो वाली सेक्शन के लिए पिक किया. वो कह रहे हैं देयर इज अ कॉमन मिसबिलीफ दैट द ब्राउजर नेम्ड फायरफॉक्स द लोगो इज अ फॉक्स. मैं भी ये सोचता था कि वो जो फायरफॉक्स का लोगो इट्स अ फॉक्स. सरप्राइजिंगली द क्यूट फरी क्रिएचर इन द लोगो इज एक्चुअली अ रेड पांडा, पांडा पांडा पांडा. सो हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, जो फायरफॉक्स का जो यू नो लोगो है वो आपके लिए एक्चुअली में फॉक्स नहीं है. एज इट टर्न्स आउट इट्स अ पैंडा. सो दिस इज समथिंग विच आई डिड नॉट नो. अगर आपको पता था इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बोला कि येस आई नू अबाउट इट. और अगर आपको नहीं पता था तो यार आप लिख सकते हो कि कृष्णा गुप्ता डिड अ वेरी गुड जॉब टूडे. एंड आज भी स्टफ यू शुड नो के लिए जितने भी आप डिड यू नोज वगैरह दोगे वो हम कल की 12 बजे वाली टेक्स्ट में डेफिनेटली फीचर करेंगे. So there you go guys, ye thi text up. I hope you liked the video. If you did like the video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. God bless you all. Peace. And pray karo ki meri daadi jaldi se wapas aa jaye. जिसके बारे में हम लोग फाइनली ये जो बुक है या क्रोम क्या ये Bonk. और साथ ही साथ हाँ ठीक है.